अस्सलाम वालेकुम, दो इमरान ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल इमरान ख़ान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी यूआरपे एप्लीकेशन से कैश पिकअप बेनिफिशियरी कैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। इसके लिए सबसे पहले आपने अपना यूआरपे एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद दोस्तों आपने लॉगिन करना है और आपने फिर यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से ऐड बेनिफिशरी पे क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आपने सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कंट्री में पैसे भेजना चाहते हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपने सेकंड ऑप्शन डिलीवरी ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और आपने कैश पिकअप पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां से नीचे आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करेंगे उसकी ऑटोमेटिक करेंसी आ जाएगी। मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट की है। यहां नीचे आप देख सकते हैं करेंसी में पीकेआर आ गई है। उसके बाद यहां से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपने जिसको भी पैसे भेजने हैं आपने उसका NIC पे शनाख्ती कार्ड पर जो नाम है आपने वो यहाँ लिखना है। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ नीचे निक नेम में भी लिख लेना है या फिर वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से नीचे आपने रिलेशनशिप पे क्लिक करना है। आपने वहाँ से रिलेशन लिखना है। आप कुछ भी रिलेशन लिख सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने सारी डिटेल शो हो जाएगी। अब आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। दोस्तों कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास यूआरपे की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 अंकों का OTP वेरिफिकेशन कोड आएगा। आपने वो कोड यहाँ एंटर करना है। थोड़ा आपको वेट करना होगा जब तक वो कोड नहीं आता। मेरे पास कोड आ गया है, मैं ये कोड एंटर कर देता हूँ। दोस्तों कोड एंटर करने के बाद आपने यहां से नेक्स्ट कर देना है। अब आपके पास एक यूआरपे की तरफ से कॉल आएगी, आपने वो कॉल अटेंड करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉल को कैसे अटेंड करेंगे और उसमें आपने क्या देना है। दोस्तों थोड़ा टाइम लेगा, बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगी, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। दोस्तों ये देख सकते हैं मेरे पास कॉल आ गई है, मैं ये कॉल को अटेंड करता हूं। मैं स्पीकर खोल देता हूं ताकि आपको आवाज़ आए। दोस्तों कंफर्मेशन के लिए आपने एक दबाना है और कैंसिल के लिए टू। अभी हमने यहाँ मैं एक सेलेक्ट कर देता हूँ। The beneficiary has been activated successfully. Have a good day. दोस्तों बेनिफिशियरी सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही कॉल डिसकनेक्ट होगी उसके बाद आप ऑटोमेटिकली बैक को आ जाएंगे। अब दोस्तों ये बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है। इसी तरह दोस्तों आप कोई भी बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।